हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पनीर की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ जो बिल्कुल होटल स्टाइल है। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेसिपी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। पहले पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाला है। इसके बाद खड़े मसाले जिसमें जीरा एक चम्मच, तेज पत्ता एक से दो, दालचीनी एक इंच का टुकड़ा, लौंग 5 से 6, हरी इलायची 2 से 3 और काली मिर्च 3 से 4 डाली है। इन सबको भूनने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब मसाला पूरी तरह से भुन जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 लाल मिर्च, तरबूज के बीज और 10 से 12 काजू डालेंगे। इन सबको डालकर हमें पूरी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जब ये भुन जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, तब हम इसे ठंडा कर मिक्सी में पेस्ट तैयार कर देंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, साथ में मैंने बटर भी डाला है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ी साइज़ का कटा हुआ प्याज डालूंगी। प्याज को आपको हिलाते रहना है ताकि वो नीचे नहीं चिपके। इसके बाद हमने जो मिक्सी के अंदर प्यूरी करी थी वो डालेंगे। साथ में इसी कटोरी में मैं थोड़ा पानी भी डाल दूंगी और पानी डालकर हमें इसे भूनना है। मैंने करीबन 1 कटोरी पानी डाला है। इसे आपको अच्छे से पकाना है। इसे हम ढककर पकाएंगे। देखिए पूरा तेल अलग हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम ग्रेटेड पनीर डालेंगे। ग्रेटेड पनीर डालने से ग्रेवी अच्छी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद मैं कटा हुआ पनीर डालूंगी। मैं इसमें किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी और शक्कर डालूंगी। ये तीनों ही 1 चम्मच लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच बटर डाला है, 1/4 चम्मच शाही जीरा और 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। इनको मिक्स करने के बाद जो पनीर का मिक्सचर था वो डाल देंगे। सबको पूरी तरह से मिलाएंगे। जब ये मिल जाएगा तब इसके अंदर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होती है आप उतना पानी डालिए। उसके बाद हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए पकने देंगे और अब 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। पर से फ्रेश क्रीम डालूंगी, आप इसकी जगह मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हरा धनिया डालूंगी और ये रेसिपी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप इसे मिक्स कर दीजिए और देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।